चुनाव में पवन सिंह का कितना करोड़ों का हुआ नुकसान। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने चुनाव प्रचार में कोई कमी कसर नहीं छोड़ा, यानी पवन सिंह ने एकदम जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया। पवन सिंह ने बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार लोग को बुलाए, महिला विकास मंच को भी अपना चुनाव प्रचार करने के लिए बुलाए थे, साथ में खेसारी लाल यादव को भी चुनाव प्रचार करने के लिए बुलाए थे, लेकिन खेसारी लाल यादव के लिए अलग से हेलीकॉप्टर ठीक किए थे। और पवन सिंह के चुनाव प्रचार में बहुत सारी गाड़ियाँ भी चलती थी और पवन सिंह द्वारा कराकाट में होटल भी लिया गया था। जो भी पवन सिंह के चुनाव प्रचार में आते थे, जो भी साथ में रहते थे, सभी के लिए खाना वाना का व्यवस्था, होटल भी ठीक किया गया था। और कुल मिला जुलाकर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार के कराकाट में 1.5 महीना चुनाव प्रचार किए। और हमारे हिसाब से पवन सिंह के चुनाव प्रचार में हर रोज 5-6 लाख रुपए का खर्चा होता होगा, और इस हिसाब से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने में 2 करोड़ रुपए लगा होगा। और 1.5-2 महीने से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपना कोई काम नहीं कर रहे थे, यानी गाना वाना, फिल्म विलिम, ये सब कोई काम नहीं कर रहे थे, ना तो स्टेज शो पवन सिंह कर रहे थे। और इधर भी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। हाँ, तो दोस्तों, कुल मिला जुलाकर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का इस चुनाव प्रचार में 4-5 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है हमारे अनुसार से। बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता जाता है तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद दोस्तों।